सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज हियर मैं क्या हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। आज का रिएक्शन वीडियो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप देख सकते हो एक बड़ी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनली पता चली है। जैसे मेरे को ये पता चला था कि रितो को वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक बड़ी ही इंटरनल न्यूज़ मुझे पता चली है कि जैक्सन ने स्विंग सॉन्ग गाया इस बार सारेगामा पा के एपिसोड में, एंड उसका ट्रेलर भी टीज़र भी जी टी वी के ऊपर आप जाके देख सकोगे, आप जी टी वी के चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। ये उसी की थंबनेल लगी हुई है एक्चुअली। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैक्सन दोनों लामा ने स्विंग गाया, लेकिन उसके बाद रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि दे आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट वेरी सून अबाउट अ किड, एंड हम उसके अंदर जैक्सन दोनों लामा को शायद या तो सुन पाएंगे या देख पाएंगे। तो गाइज देर इज़ समथिंग कुकिंग। तो ये एक इंटरनल न्यूज़ है जो मुझे अभी तक पता चली है, और बॉलीवुड में रहने का काफ़ी साल ये फ़र्क तो पड़ता है कि अपने पास न्यूज़ पुख्ता आ जाती है, एंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से जैक्सन की वीडियोस पर रिएक्ट करना क्यों बंद कर दिया। मैंने रिएक्ट करना बंद नहीं किया है, एक्चुअली देर इज सम कॉपीराइट स्ट्राइक इश्यूज विच आर कमिंग अप विद सारेगामा पा, जो दूसरे क्रिएटर्स को भी बहुत ज़्यादा आए हैं, एंड मुझे भी एक स्ट्राइक आ गई थी लेकिन वो रिमूव हो गई है। तो बेसिकली क्या सीन है कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये एक्चुअली देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि नए टैलेंट को अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। चाहे मैं रोहित शेट्टी को मानता हूँ कि नेपोटिज्म का बाप वही है, करण जौहर का असली पति मैं मानता हूँ रोहित शेट्टी को इस मामले में, लेकिन पहली बार मुझे लगा है कि यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि बेसिकली यार पता क्या सीन है, टैलेंट प्रमोट होना ज़रूरी है, डजेंट मैटर कौन कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर मैटर करता है कि अगर वो लोग आज आगे अच्छे टैलेंट को वैल्यू करें तो हम बॉलीवुड के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। एंड मेरे ख्याल से जनता भी बहुत सपोर्ट करती है यार, जनता ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बना दिए, बड़े बड़े स्टार्स बना दिए, बायकॉट बॉलीवुड जनता ने परेशान होकर चलाया कि जब रीमेक पर रीमेक पहले जा रहे थे। तो यही एक बात है कि जनता कभी भी आपसे दुखी नहीं हो सकती। अगर ऐसे आर्टिस्ट को हम मौका देते हुए देखेंगे लोगों को तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड जैक्सन ने तो वैसे भी आग लगा रखी सारेगामा पा में इस बार, एंड मेरे ख्याल से शी इज़ गोइंग टू बी इन टॉप थ्री। विनिंग के चांसेस थोड़े से मुझे फिर भी अभी लो लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, एक मेरा गट फील कह रहा है कि यहाँ पे ज्ञानेश्वरी थोड़ी स्ट्रांग है, बट जैक्सन के भी चांसेस बहुत हाई हैं अनडाउटेडली, मतलब 50-50 बार चल रहा है। देखो ये कम्प्लीटली अगर फेयर डिसीजन हुआ तो ऑडियंस कैपेबिलिटीज़ में तो जैक्सन ले जाएगी, लेकिन अगर सिंगिंग के बार को जनता ने जज के लेवल पर जाके देखा तो ज्ञानेश्वरी के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पे उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। भाई ठंड हो रखी है और पंजाब में भी, और मेरे को यहाँ पे टी शर्ट डाल के बैठना पड़ता है। सीरियसली यार एक्चुअली क्या हो जाता है, लंबा टाइम हो जाता ना तो वो हुडी वुडी डाल के या जैकेट वैकेट डाल के बैठा नहीं जाता, तो थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, लेकिन ठंड लग रही है यार इस टाइम, एंड काफ़ी रात भी हो गई है। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो फटाफट बना दूँ। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और हाँ, आप लोगों को पता है फिटनेस व्लॉग्स आ रहे हैं बहुत जल्दी, शॉर्ट व्लॉग्स आज से शुरू हो जाएंगे, शाम को आप देख पाओगे 6 बजे के बाद, 6 बजे आएगा 8 बजे आएगा, 6-8 बजे के करीब आ जाएगा पहला जो हमारा शॉर्ट व्लॉग होगा। धीरे धीरे वो व्लॉग्स को हम बड़ा कर देंगे। तो गाइज इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ऐसी वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द, और गाइज जैक्सन को जाके सपोर्ट करो बिकॉज शी नीड्स अस राइट नाउ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ।